नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम पुए बनाएंगे, इन्हें गुलगुले भी कहते हैं। तो आइए देखें, गुलगुले बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। आटा 1 कप और चीनी 1/4 कप और तेल पुए तलने के लिए। तो बनाना शुरू करते हैं। ये चीनी हम पैन में डाल देंगे क्योंकि ये चीनी हमें पानी में खोलनी पड़ेगी, और 1/2 कप पानी डाल देंगे। बस चीनी घुलने तक हमें इसको थोड़ा सा गुनगुना हो जाए। चीनी घोल रहे हैं, गुनगुने की भी जरूरत नहीं है, बस चीनी घोलनी है। तो जरा सा गर्म करेंगे, चीनी जल्दी से घुल जाएगी। चीनी को हमने घोल लिया है और अब हम इस पानी से आटे को घोलेंगे। ये 1/2 कप पानी लिया है हमने। आधा कप पानी और ले लेते हैं। घोल को तब तक फेंटेंगे जब तक कि आटे की गुठलियां अच्छे तरीके से खत्म ना हो जाए, पूरे तरीके से खत्म ना हो जाए। घोल तैयार हो गया है। इस तरह की कंसिस्टेंसी चमचे से गिराएं, लगातार गिरना चाहिए। बिल्कुल पकौड़े जैसा घोल बनाते हैं और इसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। ये घोल को 10 मिनट हो गए, घोल तैयार हो गया है। थोड़ा सा और फेंट लेंगे। कंसिस्टेंसी ज़्यादा पतला घोल होगा तो पूरे अच्छे से फूलेंगे नहीं, चपटे चपटे हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा गाढ़ा घोल होगा तो स्पंजी नहीं बनेंगे, ठोस बनेंगे। और इसको फेंटना अच्छे से ज़रूरी है। तेल चेक कर लेते हैं, तेल गर्म हुआ है कि नहीं। तो तेल में हम 1 ड्रॉप डालेंगे घोल के। आटा तुरंत ऊपर आ रहा है, उठ के तेल गरम है। तो पुए डाल करके हम तल लेते हैं। पुए को हम हाथ से भी डाल सकते हैं और चमचे से भी डाल सकते हैं। इनको पलट देंगे जो सिक गए हैं। और हाथ से हम इस तरीके से डालते हैं। ये हमने घोल उठाया, ये पुए हमने चीनी के बनाए हैं। पुए गुड़ के भी बनाए जाते हैं। गुड़ के पुए और लाल दिखते हैं, दोनों पुए टेस्टी बनते हैं।
ये पुए बनके तैयार है, मीठे पुए तैयार है। रसम के हिसाब से जब नई बहू आती है तो सबसे पहले उससे पुए का ही शगुन कराया जाता है। मीठे पुए पूजा में भी बनाए जाते हैं। आप ये मीठे पुए बनाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं nishamadhulika.com पर।